आज के सीन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अचानक से आया हूँ बीच में और स्टोरी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बड़ा मस्त सीन था, जैसा कि आपने कैप्चर भी किया, आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो कहीं से जीजा मुंह काला करके आ गया, तो बस उसी के ऊपर कॉमेडी चल रही है और रायते फैल रहे हैं, तो बस रायते फैल रहे हैं और रायतों को समेट रहे हैं, क्योंकि अक्सर कॉमेडी में रायते फैलते हैं और जो रायते को हम समेटते हैं, फैले हुए रायते को, उससे कॉमेडी बन के आती है। मम्मी की और मेरी केमिस्ट्री में खास बात यह है कि एक तो हमारे शो में सबसे खास बात है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। माँ का थोड़ा अलग स्टाइल है, जीजी का अलग स्टाइल है, जीजा अलग स्टाइल में, और एक मैं एक हरियाणवी जाट आदमी जो फैमिली में पता ही नहीं कहाँ से आ गया, और जिसकी बातों में बड़े सारे र्यूमर छुपे होते हैं, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, वो नॉर्मल बात भी करते तो हंसी आती है। तो ऐसी मम्मी कुछ भी बोलती है जैसे कि भाई अरे यार वो खाना तो नवाब साहब खाते थे, तो कई बार मैं गुस्से में आया तो मैंने कहा बाहर में गया थारा नवाब साहब मिल गया ना तो उसका खून पी जाऊंगा छाती पे बैठ के, मैं बता रहा। तो ऐसे कुछ भी कॉमेडी क्रिएट होती है, जैसे अभी टीवी बंद हो गया है अचानक से, तो मैंने कहा भाई टीवी कैसे बंद हो गया, मम्मी को बोला टीवी कैसे बंद हो गया, तो मम्मी बोलती है बंद तो नवाब साहब होते थे। तो मैं एकदम से फिर गुस्से में बोलता हूँ कि तेरे से चुप नहीं बैठा जाता, अगर थोड़ी देर चुप रहेगी तो छाले पर जावेंगे कि थारे मुंह में। तो बस यही है कि कॉमेडी हम करते रहते हैं, और मम्मी के साथ क्या है कि एक फील आता है कि माँ बेटे का एक केमिस्ट्री है, और जो बेटा वो बिल्कुल अकल से पैदल है, जिसे यही तमीज़ ये तहजीब नहीं कि उसे क्या बोलना है, तो इसी में सारा फन है। और जो निकल के आते हैं जीजी के साथ है, वो कुछ बात करते हैं, बीच में टप से कूद पड़ता हूँ और अपने नॉनसेंस क्रिएट करता हूँ, अपनी फालतू की बातें बोलता हूँ, जिसमें मुझे कई बार रैपटे पड़ते हैं, और जब वो रैपटे पड़ते हैं तो ऑडियंस को हंसी आती है। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खाते रहिए, पीते रहिए, जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए, यहाँ रहिए या गाजियाबाद रहिए, और कीप वॉचिंग मे आई कम इन मैडम 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे, देखते रहिए, दिखाते रहिए, और जिसको नहीं पता है उनके कानों में भी ये बांसुरी बजाते रहिए, या फिर जो कहते हैं कि बैंड बाजा बजाते रहिए, और सबको बताइए कि सिर्फ देखते रहिए मे आई कम इन मैडम, ओनली ऑन लाइफ हो गई।